Dear children, today we are going to do the planner of day 22. जीम की आवाज कैसी है? जीम जा, जीम जा जार। मेरे साथ मिलकर पढ़े, जीम जा जार। जीम की आवाज कैसी है? जीम जा, जीम जा जार। मेरे साथ मिलकर पढ़े, जीम जा जार। जीम की आवाज कैसी है? जीम जा, जीम जा जार। मेरे साथ मिलकर पढ़े, जीम जा जार। जीम की आवाज कैसी है? जीम जा, जीम जा जार। मेरे साथ मिलकर पढ़े, जीम जा जार। जीम जा जहाज, 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 जीम जा जल। ऊंची आवाज में पढ़े, जीम जा जल, जीम जा जल। ऊंची आवाज में पढ़े, जीम जा जल, जीम जा जल। ऊंची आवाज में पढ़े, जीम जा जल। मोहतरम उस्ताज़ इकराम, बच्चों को पहले हरफुल फास की आवाज़ की पहचान करवाएं, फिर अच्छी तरह पढ़ाएं और कल सुनकर दोबारा अच्छी तरह पढ़ा दें। दोहराई नज़्में। बच्चों, आपने हाथी वाली नज़म पूरी अच्छे से दोबारा से याद करनी है, अरबी कायदा याद करना है, इस्लामिया के सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और इसी तरह अदाब भी रिवाइज करने हैं। नज़म। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब मेरे साथ मिलके पढ़े, आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। जल्दी से मेरे साथ मिलकर पढ़े, आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब मेरे साथ मिलके पढ़े, आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब मेरे साथ मिलके पढ़े, आलू कचालू मियाँ कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रो पड़े थे, गाजर ने प्यार किया हंस पड़े थे। अब हम अदाब सीखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ोजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, सहाबा किराम, उलमा किराम और औलिया किराम से मोहब्बत करना लाजमी है। तो देखा बच्चों, हमने क्या करना है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी है। अब जब हमें नबी से प्यार है तो उसकी हर चीज़ से प्यार होगा,
हमने सुन्नत से भी प्यार करना है, आप सल्लम के आल यानी कि आपके बच्चे, आपके जो अजवाज मुतहरात हैं सबके साथ हमने मोहब्बत करनी है, आप सल्लम के सहाबा इकराम के साथ भी, और उलमा इकराम औलिया इकराम वो तो हमें दीन सिखाते हैं तो उन सब से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करनी है। इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, प्यारे बच्चों मेरे साथ मिलकर पढ़े, इस्लाम का मतलब क्या है, अमन और सलामती, इस्लाम का मतलब क्या है, अमन और सलामती। अब हम अरबी कायदा पढ़ेंगे, इसको बटा पड़े वो इसको बटा पड़े वो इसको बटा पड़े वो पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा जैसे जैसे मैं पढ़ा करूँ ना आप भी मेरे साथ बोला करें, फिर आपको भी ये बोलना आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद رسول الله لا إله إلا الله محمد 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 जी। शुरू करते हैं हम लोग तआवुज़, क्या करेंगे तआवुज़, शाबाश। अच्छा जैसे जैसे मैं पढ़ा करूँ ना आप भी मेरे साथ बोला करें, फिर आपको भी ये बोलना आ जाएगा। चलें शुरू करते हैं तआवुज़। तआवुज़ क्या होता है, आउज़ु बिल्लाह होती है, आपको आती है, शाबाश। जिन बच्चों को आती है वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जिनको नहीं आती वो भी बहुत जल्दी अच्छे बच्चे बन जाएंगे जब वो हमारे साथ मिलकर याद करेंगे तआवुज़ को, ठीक है। तो चलें हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी, फिर आपने पढ़ना होगा। आऊज़ु आऊज़ु आऊज़ु, आपने आउज़ु नहीं पढ़ना, आउज़ु लफ्ज़ नहीं है, ठीक है। ये क्या लफ्ज़ है, आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाही
بالله من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان من الشيطان الرجيم 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 ठीक है, तो आउज़ु बिल्लाह किस वक्त पढ़ते होते हैं? जब भी हमने अल्लाह ताला की पनाह में आना होता है। किससे बचने के लिए? शैतान से। शैतान का पता है ना आपको? तो शैतान से बचने के लिए हमें जब भी अल्लाह ताला की हिफाजत चाहिए होगी, तो अल्लाह ताला से हिफाजत के लिए हमने क्या पढ़ना होगा? अल्लाह ताला से हिफाजत चाहिए तो इसके लिए क्या पढ़ना है? आउज़ु बिल्लाह पढ़नी है। शाबाश। तो हम फिर उस वक्त पढ़ेंगे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है। अच्छा, आपको पता है आउज़ु बिल्लाह का मतलब क्या है? आउज़ु बिल्लाह का मतलब है मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ शैतान मर्दूद से बचने के लिए। ठीक है, आपको पता ना शैतान हमारा दुश्मन है। तो जब भी हमने अपने दुश्मन से बचना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। हाँ जी, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? शैतान से बचने के लिए आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, ताकि वो हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा सके, हमें कोई तकलीफ़ ना दे सके। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। और आपको पता है आउज़ु बिल्लाह पढ़ने से क्या होगा? शैतान की पावर्स कम हो जाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो पर चली जाती हैं। और इसके अलावा वो बहुत वीक भी हो जाता है, इतना वीक हो जाता है। और अगर हम आउज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, फिर वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, फिर वो हमें डराता भी है। तो अगर हम आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे तो फिर उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एनर्जी, और फिर वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आउज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, तो आज सिर्फ हमने ये बात याद रखनी है कि आउज़ु बिल्लाह पढ़ने से क्या होगा? कि शैतान की पावर्स कम हो जाएंगी और इससे हमें अल्लाह ताला की हिफाज़त मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने ख़ुद भी ये याद करना है और अपने बहन भाइयों को भी याद करवाना है। ठीक है, शाबाश। बुलंदी से नीचे उतरने की दुआ, सुबहानअल्लाह। जब भी हमने ऊंचाई से नीचे आना है तो हमने क्या पढ़ना है? सुबहानअल्लाह। जैसे सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं तो क्या पढ़ेंगे? सुबहानअल्लाह। और ऊंचा जाते वक्त क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर। मोहतरम असातिज़ा इकराम, इस बात का यकीन कर ले कि तमाम बच्चों को बुलंद आवाज में नज़म, दुआएं और तमाम सवालात ज़ुबानी याद करवा दिए हैं। कल नहीं सुने और फिर दोबारा याद करवा दें। यही तमाम क्वेश्चन आंसर नज़में दुआएं आपने ज़ुबानी याद करवानी है और फिर कल दोबारा से इनसे सुनना है। प्यारे बच्चों, अब हम रिटन वर्क करेंगे। आज हम जीम लिखना सीखेंगे। जीम, जीम के अंदर एक डॉट होता है। जीम के अंदर कितने डॉट होते हैं? एक डॉट होता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपने पूरे पेज पर जीम लिखना है। ये देखिए, यहाँ पे दोबारा से मैं लिखना बता रही हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम रिटन वर्क करेंगे। आज हम जीम लिखना सीखेंगे। जीम,
जिम के अंदर एक डॉट होता है, जिम के अंदर कितने डॉट होते हैं, एक डॉट होता है। प्यारे बच्चों इसी तरह आपने पूरे पेज पर जिम लिखना है। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं लिखना बता रही हूँ, प्यारे बच्चों अब हम रिटन वर्क करेंगे, आज हम जीम लिखना सीखेंगे। जीम, जीम के अंदर एक डॉट होता है, जीम के अंदर कितने डॉट होते हैं, एक डॉट होता है। प्यारे बच्चों इसी तरह आपने पूरे पेज पर जीम लिखना है। ये देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं लिखना बता रही हूँ, तस्वीरों के नाम बताइए और इनका पहला हर्फ। जैसे हमने पीछे लिखा था हमने आवाज़ बतानी है, जैसे पेंसिल है तो किसकी आवाज़ आ रही है, पा की, तो यहाँ पे लिखेंगे। पिछला हर्फ लिखे, अब बे से पहले क्या आता है हमने बच्चों से पूछना है, बे से पहले क्या आता है, अलिफ। बच्चों अलिफ सुनाए, अलिफ बे पे ते टे से, तो बे से पहले क्या आया, अलिफ। बे से पहले क्या आया, अलिफ। इसी तरह ते से पहले क्या आया, पे। से पहले क्या आया, टे। मोहतरम साजा कराम पेज नंबर 24 दोबारा से सुने और अच्छी तरह से याद करवाएं। प्यारे बच्चों और वालदैन आपने बच्चों को इसी पैटर्न पे घर का काम भी करवाना है, इसी तरह पिक्चर का नाम बताना है और उसका पहला हर्फ लिखवाना है और इसी तरह इसका अगला हर्फ लिखवाना है। थैंक यू।